సాయి అలాగే గరణి ఆడిఎస్పి वीरल अपने इलाके में तुझे खुशामदीद कहता है डीएसपी। एएसपी, एएसपी अरसलान। डीएसपी हो या एएसपी हो, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी सी अंग्रेजी के आगे पीछे हुई है ना। वैसे तू सवारी बड़ी शानदार पकड़ी है। जीप तुम्हारी भी बुरी नहीं है। सवारी का कोई मसला है तो बोल, हवेली से नई गाड़ी भिजवाता हूं तेरे लिए, चाहे सरकारी ही सही, हमारे इलाके में मेहमान है। पेशकश का शुक्रिया मीर, लेकिन सरकार उधार पे नहीं चलती। फिर सवारी चाहे अच्छी हो या बुरी, सरकार की होनी चाहिए, इसलिए तो सरकारी कहलाती है। और एक बात और याद रखना, सवारी जैसी भी हो सरकार की, होती बहुत मजबूत है। चल देखते हैं डीएसपी। एएसपी साहब, देखते हैं तेरी सरकार कितनी मजबूत है और तेरी सरकार की ये सरकारी सवारी। और हाँ, तेरी इत्तला के लिए अर्ज है कि तेरे आने से पहले तेरा सारा थाना हमारी हवेली की भीख पर ही पलता रहा है। मतलब? मतलब ये कि बिजली, गैस, पानी, तेरे थाने की मुरम्मत, यहां तक कि तेरे सिपाहियों का खर्चा पानी भी हवेली करती रही। और तेरी जो कंगली सरकार है ना, उन्होंने तेरे सिपाहियों को पलट कर भी नहीं देखा। बहुत जल्द तुझे पता चल जाएगा, फिर तुझे पड़ेगी जरूरत हमारी। उस वक्त तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद करके दिल से मीरल को याद करना है, बस तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चल चल रे। क्या बकवास कर रहे हो तनी बख्श, शौकत का बाप? सरकार, मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा है बस्ती में घूमते हुए। वो ना लोगों से अपने बेटे शौकत का पूछता फिर रहा था। अगर मैंने खुद थानेदार से कहकर उसे आजाद करवाया था। सरकार, इससे तो यही लगता है कि अभी तक ना उसका बेटा घर नहीं पहुंचा। कहां गया वो? सारी जेल सारी बाहर। सरकार, मुझे तो लगता है मीरल साई ने मना किया था उससे, मना किया था कि शौकत के साथ अपने इलाके में ऐसी कोई हरकत ना करे। अगर मीरल, सरकार अब सोचना ही है कि करना क्या है। अब शौकत के किसी पुराने दोस्त को तलाश करो सर, उससे खर्चा तो तगड़ा। उसे को शौकत के बाप को यकीन दिलाए कि उसे उसने मुल्तान या किसी बड़े शहर की गाड़ी पर बिठाया है और शौकत नहीं है यहां। जो हुक्म सरकार, पर एक बात समझ में नहीं आ रही सरकार। वो तो खुद गरीब मस्कीन सा कमजोर सा बंदा है, वो भला हमारा क्या बिगाड़ सकता है? मुझे उसके खानदान की परवाह नहीं है, बस ये इत्तला नूरी तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि शौकत अपने घर नहीं पहुंचा। नूरी ने मुझसे निकाह किया इसी शर्त पे था कि मैं शौकत को बिना किसी नुकसान के आजाद कर दूंगा।
शौकत के मरने की इत्तला नूरी तक नहीं पहुंचनी चाहिए फिलहाल। सारी जिन सारी बार सरकार आप फिक्र ही ना करें, मैं शौकत के बाप को ऐसे गलत रास्ते पे भेज देता हूं कि उसको वापसी का रास्ता ही नहीं मिलेगा। और सरकार आपका रास्ता टापो टाप। जादाद और असगर को मेरे कमरे में भेजो फौरन। हर बिल लेट सरचार्ज के साथ, यही हाल सिपाहियों के लंगर खाने, कैंटीन का और दीगर बिलों का। वजह जान सकता हूँ क्यों? वो जी, हेडक्वार्टर से पैसे आते आते बहुत पकड़ लग जाता जनाब। जून के बजट के जो पैसे हैं वो महकमे तक दसवें महीने तक आ पहुँचते हैं। वो गैस वाला महकमा, बिजली वाले, वो कनेक्शन काटने आ जाते हैं सरकार। महीने के अखीर में मुंशी भी तकाजा शुरू कर देता है और यही हाल पेट्रोल पंप वालों का है। इसी तरह उधार पर उधार चढ़ जाता है सरकार। और ये उधार तुम पूरा करते हो पीरल और दीगर सरकारों से भत्ता या कर्जा लेकर? नहीं जी, बड़े लोग कहां भत्ता देते हैं, तावन करते हैं जी, इसी तरह बस निकल जाता है खर्चा। तावन, चलो मान लिया सरकार का बजट रिलीज करने का प्रोसेस जरा स्लो है, लेकिन जब पैसा आता है तो थाने के अकाउंट से जाता कहाँ है? ये अपने सरकारों का तावन जो है वो तो लौटा देना चाहिए ना फिर। क्यों शरीफ? जी सर। तुम कैशियर हो ना थाने के? जी सर। तो ये थाने पे उधार क्यों बाकी है हवेली के मुंशी का? सरकार ने तो दे दिया सारा पैसा, कहा गया? वो सरकार मैं तो बैंक से पैसे निकाल कर थानेदार साहब के हवाले कर देता हूँ, बाकी अदायगी ये खुद ही करते हैं सर। ये कुछ पैसे हैं अब्बा, तुम्हारी दवाओं के लिए। है? इतने पैसे किसने दिए तुम्हें? बताता क्यों नहीं, कहां से आए ये पैसे? आएंगे कहां से, मेहनत मजदूरी की हवेली की। मीरल सही के बंदे ने दिए मुझे ये पैसे, मेरे काम के पैसे हैं। नहीं, ऐसा कौन सा काम करो तुम हवेली का, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा उस मीरल से दूर आ करो, समझ नहीं आती तुम्हें? एक तो मैं इस रोज रोज की तफ्तीश से तंग आ गया हूं, कोई कम ना करो तो मुसीबत, कोई कम करो तो हजार सवाल। वो जा कह रहा है, रोटी तो खा ले। जा रहा हूं मैं।
वनिकी सैन, बाहर आपके घर से कोई आया है? कौन, मेरी माँ आई? जी नहीं, आपके भाई और बाप है शायद, औरत कोई नहीं है उनके साथ। जा, जाकर कह दे उन्हें कि मर गई नूरी। ऐसे बोल दो। सुना नहीं जो कहा है मैंने? बोल दे जाके। निकी सैन, बड़ी सैन, सरदारी पे कर। इस हवेली की रीत है, औरत चाहे मेहमान हो या सौकन, चादर पहनाकर उसका इस्तकबाल किया जाता है। आप मुझ जैसी सौकन के लिए किसी रंगीन की बजाय सफेद चादर का इंतखाब करती तो अच्छा होता। फिक्र ना करो, इस चादर के रंग बहुत कच्चे हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ढलने में। सरदारी बेगम ने अपने रंग के अलावा इस हवेली में कोई दूसरा रंग चढ़ने नहीं दिया कभी। आप फिक्र ना करें, मैं अपने सारे पक्के रंग अपने कच्चे घर में छोड़ कर आई। अब किसी को रंगने की तमन्ना नहीं है मुझे। खूब, तो गोया अकलमंद भी हो। तुम्हें अपनी हदें पहले से ही मालूम है। बेहतर यही होगा कि सिर्फ पीरल की मनकुहा बनकर इस हवेली में बाकी दिन गुजारना अपनी जिंदगी के। मालकन बनने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि मालकन एक ही है, सरदारी बेगम, जिसका बेटा इस हवेली का जानशीन है। ये कभी मत भूलना। ऐसी एक मलकियत का दावा सुलेखा बेगम करके गई हैं आपसे पहले। पहले आप आपस में ये तो फैसला कर लें असल मालकन है कौन, फिर मैं अपनी ताबेदारी के लिए हाजिर हूं। इंशाल्लाह खैर थीवी मेरी धी ससी, शोर कोट तो आने जाने में 250 किराया लग जाएगा, ऊपर से खाने पीने का खर्चा अलग। आहिस्ता बोलो मासी, मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगी। एक काम करो, ये लो ये रखो, इस पर्चे पर मैंने इकबाल नामी बंदे का पता लिख रखा है, ये जाके उसको दे देना और कहना कि जो भी जवाब देना है वो लिख कर तुम्हें दे दे। पर खबरदार, इस मामले की खबर किसी और को ना हो। अरे तुम्हारा ब्याह होने वाला है शोरकोट? हाँ ऐसे ही समझ लो, मगर अब्बा और जीवन को इस बात की खबर ना हो, समझ गई ना? बेफिक्र हो जो, माँ की बरकतें सब समझ गई है, बस काम होने पे बेल का एक जोड़ा जरूर लूंगी तुझसे। मैं तुम्हें 2 जोड़े दूंगी, पर मेरा काम कर दो। ठीक है। लड़की मेरे दिमाग को चढ़ती जा रही होगी। क्या इसे इश्क कहते हैं?
मैं भी पता नहीं किस पत्थर से इश्क की बातें कर रहा हूं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कुत्ते लड़ाने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। है बे के ओके है बे सलाम साईं। ओए जीवन क्या बात है, असलम बड़ी तारीफ करता है तेरी, कहता है जीवन लंबी रेस का घोड़ा है साईं, इसको काम देकर देखें साईं। जी सही, ठीक कहता है असलम, आप हुकुम करो, जीवन अपनी जान लड़ा देगा। देख ले, काम तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो तेरे घर वाले तेरे पीठ पीछे वेला करते हैं कि हमारे बच्चे को कहां भेज दिया। हमारे कामों में कई हफ्ते लग जाते हैं वापस आने में। नहीं सही, कोई परवाह नहीं है, सोच ले काम बड़ा खतरनाक है, इस काम में बंदे सरहद पार करवाने होते हैं और कभी कभार सरहद के उस पार से अंदर भी लेकर आने होते हैं। कर लेगा? जी सही, जीवन तैयार है। शाबाश। अच्छा एक बात बता। जी सही। तेरे घर में कितने बंदे हैं? साईं जी, एक बूढ़ा बाप है और एक बहन है मेरी। तो तू एक काम कर, अपने घर वालों को ना हवेली के पिछले क्वार्टर में भिजवा दे, मैं असलम को कह के एक क्वार्टर खाली करवा देता हूँ। अब जब तू जाएगा तेरे घर वालों को कौन ख्याल रखेगा? जी सही, ठीक है, मैं अब्बे से कह दूंगा जाने से पहले। तैयारी पकड़ ले, बहुत जल्द तुझे बड़ा काम सौंपूंगा। ठीक है सही, चल जा, खुश रहे खुश रहे। इसका क्या मतलब है जहांदार? मतलब उसने हमारी दावत को ठुकरा दिया और उल्टा हमें बुला रहा है थाने चाय के बहाने। भाई, आपकी अजमत और आपके तजुर्बे को सलाम, बिल्कुल सही कहा था सैयद, ये जो डायरेक्ट पढ़ कर इम्तिहान पास करके अफसर आते हैं, ये बंदे को बंदा नहीं समझ, इनका दिमाग सातवें आसमान पर होता है। लेकिन सही, दो चार साल लगेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी और आटे दाल का भाव भी पता चल जाएगा। अगर मेरे पास इतना वक्त नहीं है, उसने पीरल की दावत को ठुकरा कर बेइज्जती की है मेरे जी। साईं, मैंने अपनी तरफ से बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, किसी बहाने उसे अपने साथ ले आऊं, यहाँ खड़ा करके हाथ नहीं लगा, खाना नहीं खाता, हमारी बला आता तो सही, साफ इनकार कर दिया जी उसने। आएगा, जरूर आएगा, कभी कभी ऊंट को बहुत देर से एहसास होता है कि वो किस पहाड़ के नीचे आ चुका है। अंदर आ सकता हूं सर? आओ सर, क्या खबर है? बस्ती के बाजार में हमारा एक मुखबिर भी अपनी दुकान चला रहा है, जुमा परचून वाला, एक अहम खबर लाया है, आपकी इजाजत हो तो उसे अंदर ले आऊं। मतलब आ जाओ जुमा खान। सलाम साहब। वालेकुम सलाम, क्या खबर लाया जुमा खान? आने वाले जुमेरात की रात झोंक सियाल की सहराई पट्टी से चांद लोग दूसरी जानब पार करवाने की इतला है जनाब। क्या यहाँ सरहद पार बंदे भेजे जाते हैं? ह्यूमन स्मगलिंग का कारोबार होता है जनाब, ये काम तो काफी अरसे से यहाँ चल रहा है,
लेकिन हम कभी भी उसके सरगुना का सुराग नहीं लगा सके। जाहिर है असगर, अगर इतना मुनज़्ज़म काम हो रहा तो कोई मुकामी शख्स की मदद के बगैर तो हो नहीं सकता है। ये खबर पक्की है जमा खान? 100% पक्की है जनाब। ठीक है सर, पूरी तैयारी करो रेड की, मुकामी मजिस्ट्रेट को भी इन्फॉर्म कर दो, इस दफा रंगे हाथों पकड़ेंगे ना इंशाल्लाह। और ये खबर यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी जनाब। मेक श्योर ऑफ इट। राइट सर, आओ जमा खान। हाँ भाई जुम्मा, खैर है? जी जी सब खैर है, बस बड़े साहब को सलाम करने आया था। ठीक है जी जनाब, हो गया, मैं आता हूँ फिर आपकी तरफ हाजिरी देने। चलो बेटा ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। एक तो गवर्नमेंट ने तुम्हें इतनी दूर भेज दिया है ना कि वहाँ तो मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आते। शुक्र खुदा का कि घर का फोन अभी सलामत है, तो गनीमत है कि 2-4 दिन बाद तुमसे बात हो जाती है। अच्छा सुनो भाई, तुम्हारी बहनें ना तुम्हें सलाम कह रही हैं। हाँ ठीक है बेटा, जीते रहो, बहुत खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तेरा शुक्र है। चलो भाई, तसल्ली हो गई अब तुम लोगों की? हम खा परेशान हो रही। अरे हमसे तो चंद ही मिनट बात की है उन्होंने, अगली दफा सिर्फ मैं बात करूंगी और आप लोगों में से कोई बात नहीं करेगा। अच्छा भाई चलो, सिर्फ तुम ही बात कर लेना, अब खुश? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ बात क्यों करेगी, मैं भी बात करूंगी। अच्छा भाई अच्छा, अब तुम दोनों ना इस बात पे लड़ाई मत शुरू कर देना। मैं तो जा रही हूँ शुक्राने के नफिल पढ़ने के, मेरे बच्चे से मेरी बात हो गई, मेरे दिल को सुकून मिला है, अब लड़ना नहीं भाई बिल्कुल भी। खबरदार जो आइंदा बीच में बोली हो तुम, देख रहे हैं बाप। चुप चुप। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि सुबह तक इंतजार नहीं हो सकता था? ये जो बेचैनी मेरे रोम रोम को जला रही है, भी आपके अंदर आग भड़काए रखती थी, इतनी जल्दी भूल गई। वक्त वक्त की बात है जुलेखा बेगम, इंसान के अंदर कभी एक आग भड़कती है तो कभी दूसरा अलाव सर्द फटने लगता है। कहां किसी का इख्तियार होता है इस नार पर, इसीलिए मर्द को बड़ा ही अड़चाई कहते। पूरे मर्द को हर जाए क्यों कहती, कसूर तो इस छोटे से दिल का है जो किसी के इख्तियार में नहीं है और ना किसी की सुनता है, और इसकी वजह से पूरी बरसात को इल्जाम देना सरासर ज़्यादती है। वैसे एक मर्द को हरजाई भी तो एक औरत ही बनाती है, तो कुछ सोच बराबर का हुआ। Thank you.
तू इतना रुक मैं आनी पई। तू भूल गई ना अपनी नूरी को? भूल तो तू गई है अपनी माँ को, जब पलट के कभी खबर भी नहीं ली। जिस कैदखाने में मुझे अब्बा छोड़ के आया था वहां पलट के देखने की इजाजत नहीं, इंसान पत्थर का बन जाता। सारी दुनिया पत्थर की बन जाए पर माँ का दिल कभी पत्थर का नहीं बन सकता। तुझे पता भी है कि मैं तेरे लिए कितना तड़पती हूँ। ससी, वो थी ये? जी अब्बा। बेटा मैं जरा स्कूल तक जा रहा हूँ, चौकीदार ने दो दफा पैगाम भेजा है, शायद कोई जरूरी काम हो। वो स्कूल में बचा ही क्या है अब्बा, उसे तो वो पीरल अपने गोदाम के तौर पे इस्तेमाल करता है। बेटा जाऊंगा तो पता चलेगा। अच्छा चलो। सलाम मास्टर जी। सलाम सत्ते खैरा शाला धी वस्ती रावी। आ बरकते बहन आ, बहुत दिनों से तेरे पीछे पैगाम लिखा भेजा है मैंने पर मुलाकात नहीं हुई। मास्टर जी तेरा पैगाम मिल गया था मुझे। तो फिर देखना मेरी बेटी ससी के लिए कोई अच्छा सा लड़का, वो तो तेरी गोदों में खेली है। हाँ मास्टर जी जरूर देखूंगी, क्यों नहीं देखूंगी, क्या पता किसी ने पहले ही देख रखा हो। अब मासी क्या सारी बातें यही दरवाजे पे खड़े होके करेगी? अब आना मैं तुझे अच्छी सी चाय पिलाती हूँ, वैसे भी अब्बा को काम है ना, आ जा। हाँ हाँ पहले मैं ठंडा ठार शरबत हाँ, पीऊंगी, बहुत गर्मी है भाई, नींबू वाला शरबत। हाँ, हाँ, हाँ। बैठ। तुम चौकीदार हो यहाँ के और तुम्हें ये नहीं पता कि सारी रात यहाँ जुआ चलता है, हैं? गिरफ्तार करो उसको। माफ़ करो सरकार, मैं शाम को वापस चला जाता हूँ, वैसे भी ये स्कूल काफ़ी अरसे से बंद है। स्कूल बंद है तो क्या मतलब है इसका, चोरों को दोगे, जुआरियों को दोगे, हैं? इसे इस दफ़ा माफ़ कर दें जनाब, वैसे भी वो हुंडे बहुत जोरावर और जागीरदार के मुँह चढ़े हैं, इस बेचारे अकेले की बस की बात नहीं है उनको रोकना। मैं कमालुद्दीन हूँ, यहाँ का रिटायर्ड हेडमास्टर। कभी ये स्कूल बहुत आबाद था, फिर रफ्ता रफ्ता बर्बाद हो गया। लेकिन ये तो सरकारी स्कूल है ना, टीचर क्यों नहीं आता भी पढ़ाने यहाँ? यहाँ कोई टिकता ही नहीं है जनाब, मैंने ऊपर सरकार को अर्जी भी लगाई थी डायरेक्ट्रेट में कि मेरी बेटी सस्सी को प्राइमरी टीचर लगा दे मेरी जगह। वो 12 जमात तक पढ़ी हुई है प्राइवेट और शोर कोड काली भी जाती रही है कुछ दिन, लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं आया। माफ कीजिएगा, ये आपकी टांग कब से? एक हादसे में माजूर हो गया था मैं, तभी जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ी। अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, आपकी बेटी का केस मूव कराते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्कूल आबाद होगा इंशाल्लाह। लेके चलो इस। तुम्हारे इकबाल से खुद बात हुई है? हाँ दिए, मैं खुद मिली थी उससे। इकबाल तो खुद परेशान बैठा था उसके इंतजार में, शोकत तो वहां पहुंचा ही नहीं।
पर जोक से यहां से तो जा चुका है। पता नहीं, हाँ याद आया, इकबाल बता रहा था शौकत का बाप भी उसे ढूंढते हुए आया है यहाँ वापस इस बस्ती में। उसे उसके दोस्तों ने बताया है कि कुछ दिन पहले उन्होंने खुद शौकत को शोरकोट के स्टेशन से मुल्तान जाने वाली गाड़ी पे सवार कराया है। पर अगर शौकत मुल्तान गया है तो उसने अपने घर वालों से रابطہ क्यों नहीं किया? इंशाल्लाह खैर थी वैसे। आगे मुसाफिर बस का एक्सीडेंट हुआ है, रास्ता ब्लॉक है, आप कोई और रूट लीजिए। ठीक है जाई, जो हुक्म। ये लड़का कौन है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। नया पुलिस अफसर है सैन जी, अभी इलाके का चार्ज संभाला इसने। सुना है बड़ा ही कड़क अफसर है, आते ही सबको सीधा कर दिया इसने थाने में। खाना तो खा लो, क्या जल्दी है तुम्हें इस वक्त बाहर जाने की? आकर खा लूंगा, भूख नहीं है मुझे। और हाँ अब्बा, वो मीरल सही है ना, उसने मुझे अपनी पक्की नौकरी पर रख लिया है और वो कह रहा था हवेली के पिछले क्वार्टरों में से एक क्वार्टर भी देगा। कह रहा था अब मुझे रातों को देर हो जाए करेगी तो तू अपने घर वालों को भी वहां ले आ। ऐसा क्या काम पड़ गया मीरल को तुझसे कि अब तू रात रात भर घर से बाहर रहेगा? नहीं चाहिए हमें उसकी भीख। हमारा घर छोटा जरूर है पर हमारा अपना तो है, तू उसको इनकार कर दे। क्यों इनकार कर दूं? कि मुझे तरक्की करने का कोई हक नहीं है? पता है जब से मैं मीरल सही का खास मुलाजिम लगा हूं पूरे इलाके में मेरी टोर बन गई है और बाजार में सब लोग सलाम करते हैं मुझे। रुको तो सही, जा कहां रहे हो अभी? अभी जल्दी मैं हूं, बाद में बात करेंगे। तुम लोग हवेली चलने की तैयारी करो। असलम, हम यहाँ क्यों रुक गए? बॉर्डर तो अभी आ गई है। यहाँ से रेंजर का इलाका शुरू हो जाता है, हमें दूसरी जानब से सिग्नल मिलने तक यही इंतजार करना होगा। सिग्नल मिल गया, तैयारी कर लो, घोड़े पे एक एक बंदा, ऊंट पे दो दो। खबरदार, कोई पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ना चाहिए। पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। खबरदार, कोई नहीं रहेगा अपनी जगह से। कौन कौन था साथी? कौन कौन है? हाँ कौन है? खबरदार भागना मत, खबरदार, खबरदार भागना मत, खबरदार। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा, रुक जाओ। मेरी माटी